estómago. द स्टोमो कोड लिखने के बाद ही क्विक समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है, कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. द स्टोमो कोड इज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन में इसके हेल्प करता है, मूवमेंट में, लोकोमोशन में इसको हेल्प करना. और अभी तक कॉर्डाटा के आगे मूव हम किए नहीं है, मतलब कॉर्डेट्स में हमने इन किया नहीं है, तो ये सिंगल लेयर ऑफ नैरो सेल का ये बना होता है. ठीक है, द वॉल ऑफ स्टोमोकॉर्ड इज composed of a single layer of narrow cells. The outer surface of the stomachord is composed of epithelial cells. Epithelial cells की क्या specialty होती है मुझे बताएगा कोई student? आपकी body में भी epithelial cells present है, क्या specialty है इसमें? Epithelial cells similar to cells of the buccal cavity. मतलब आपके माउथ के अंदर जैसे सेल्स है ना, मतलब उससे मिलता जुलता इसका है. हालांकि जो मैंने आपसे पूछा एपिथीलियल सेल्स के बारे में, आपकी बॉडी में जो एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट है तो उसके बारे में स्पेशल चीज ये है, आपके पूरे बॉडी पार्ट में जो कवरिंग एंड लाइनिंग का काम करता है वो कौन है? एपिथीलियल टिश्यू. ठीक है, लेकिन स्टोमोकोर्ड में जो यहाँ पे टिश्यूज अवेलेबल है, जो नैरो सेल्स है, वो किससे मिलता जुलता है? जो कि आपके माउथ कैविटी में प्रेजेंट है. लास्ट में सिर्फ हम इसके दो क्लासिक एग्जांपल्स लिखेंगे, बहुत है. एग्जांपल्स आर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बैलेनोग्लोसस है, जो वर्ड दिख रहा है, सैकोग्लोसस एंड बैलेनोग्लोसस. And sacoglossus. एमी का डाटा क्लियर है? बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? क्लियर है?